विदेशों से आयात हुआ था कोविड के टाइम, जब खाद्य तेल की कीमत बहुत बढ़ गई थी तो सस्ता तेल मंगाने के लिए, और बाहर से 0% इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब है जब कोई चीज बाहर से मंगाते हैं अपन तो बाहर से आने में लगता है टैक्स, और वो टैक्स लगता है तो बाहर जाने वाली चीज महंगी हो जाती है, और महंगी हो जाती है तो अपने यहाँ के कारखाने चलते हैं, अपने यहाँ का उत्पादन चल पाता है। लेकिन जब तेल महंगा हुआ तो इम्पोर्ट ड्यूटी 0% कर दी, तो मलेशिया से इंडोनेशिया से मार सस्ता पाम ऑयल आ गया, और पाम ऑयल आ गया तो तेल के दाम तो गिरे लेकिन सोयाबीन भी जमीन में चला गया। हमने एक तरकीब करी है कि अब जो बाहर से तेल आएगा उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 1 रुपया का आएगा तो 1 रुपया 20 पैसा लगेगा तब वो ला पाएंगे, और से लगाकर 27.5% कर दिया। अब आप देखना धीरे धीरे 4300 से बढ़ के 4100 से 4500-4600 तक पहुंच गए, और बढ़ेंगे धीरे धीरे दाम, तो सोयाबीन को भी और पार ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हम। बाबा चिंता मत करो, कोशिश मैं कर रहा हूँ कितने कदम लगा सकूँ के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इन चीजों के दाम भी बढ़ जाए।